श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि नाम के पहले अक्षर से आप अपना खुद का और अपने पार्टनर के रोमांस का इतिहास जो है या वह कैसे होंगे रोमांस के मामले में ये आप पता कर सकते हैं। ए बी और सी का हम बता चुके हैं, हम डी ई और एफ का बताने जा रहे हैं। तो डी वाले जिनके नाम के पहले अक्षर शुरुआत डी से होती है, जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आप उसे पाकर ही रहते हैं और तन मन से उसी में लगे रहते हैं। आप आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, आप दूसरों का ख्याल रखने में खुशी महसूस करते हैं। किसी की समस्या को आप अपनी समस्या मानकर उसे हल करने में जुट जाते हैं। आप बेहद ही आकर्षक, वफादार, सेक्सी और रिश्तों में पूरी तरह से जुड़ जाने वाले लोग हैं। डी वाले को कुछ अलग हटकर हमेशा पसंद आता है, पर कभी कभी बेहद ईर्ष्यालु और स्वार्थी हो जाते हैं। इनको खुले दिल के जो लोग हैं वो पसंद हैं। अब हम आते हैं ई वाले क्या, जिनके नाम की पहले अक्षर ई से शुरुआत होती है। ई वालों की जो कमजोरी है वो है बातें करना, बहुत बातें करते हैं। यदि इनके प्रेमी या प्रेमिका अच्छी तरह इनकी बात पर ध्यान नहीं देता है तो इनके रिश्ता ही खतरे में पड़ जाता है। ये अपने आप को बड़े इग्नोर से फील करते हैं। किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता इनको प्रभावित करती है। इनको विवादग्रस्त बातों में पड़ना अच्छा लगता है। इनको फ्लर्ट करने में बहुत मजा आता है और ये इसे प्रेम से भी ज़्यादा महत्व देते हैं। एक्चुअली फ्लर्ट करना इनके एक तरह से हॉबी की तरह होता है, लेकिन जब एक बार ये किसी को दिल दे देते हैं तो उसके प्रति वफादार हो जाते हैं। यदि आपको अच्छा प्रेमी नहीं मिलता है तो आप किताब पढ़ते सोना पसंद करते हैं, मतलब अगर लव अफेयर्स वगैरह नहीं चल रहे हो तो फिर बुक्स पढ़ेंगे। फिर एफ, एफ वाले आदर्शवादी और रोमांटिक होते हैं, अपनी चाहत को महत्व देते हैं। ये लोग हमेशा अच्छे से अच्छे साथी की तलाश में रहते हैं। ये फ्लर्ट करते हैं लेकिन अच्छा साथी पा लेते हैं तो फिर ये फ्लर्टिंग छोड़ देते हैं। ये भावुक होते हैं, सेक्सी होते हैं और आकर्षक होते हैं। लोगों के बीच प्रदर्शन करने में विश्वास रखते हैं और ये जन्मजात रोमांटिक होते हैं। और नाटकीय बातों में खोए रहना इनका पसंदीदा शगल है, पर एक अच्छे प्रेमी साबित होते हैं कभी भी। एफ वाले, तो हमने आपको बताया डी ई और एफ के बारे में। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।